दम है तो पंजाब आकर दिखा कंगना, कुछ इस तरह के नारे आज अमृतसर में लगते नजर आए। पहले संजय राउत ने और शिवसेना ने चैलेंज किया कंगना रनौत को कि दम है तो मुंबई आकर दिखाओ, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। और आज अमृतसर में कंगना को लेकर काफी प्रोटेस्ट हुआ, इतना कि कंगना का पुतला तक जलाया गया। एक आदमी ने मुंह पर नरेंद्र मोदी का मास्क लगाया और गोद में कंगना का पुतला लिया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का हाथ है कंगना के ऊपर। यही कारण है कि कंगना इतने लोगों पर अटैक करती रहती है और इतना कुछ करके भी बचती जा रही है। शुरू से ही कंगना रनौत के ऊपर अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि कंगना एक पर्टिकुलर पार्टी की सपोर्टर है, और आज इसी को लेकर कंगना के पुतले जलाए गए, अमृतसर में नारे लगाए गए कि दम है तो पंजाब आकर दिखा। आपको बता दें कि ये नारे इसलिए लगाए गए क्योंकि कंगना रनौत ने पिछले कुछ दिनों एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने फार्मर्स को टेररिस्ट कहा था, और उसी के कारण आज कंगना के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया। यूथ कांग्रेस का ये जो ग्रुप था, इसी ने कंगना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और अब इस प्रोटेस्ट की कुछ पिक्चर्स शेयर करते हुए कंगना ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, पहले महाराष्ट्र की जो कांग्रेस सरकार है उसने मुझे धमकाया, मेरे पोस्टर्स पर चप्पलें मारी, और अब पंजाब में मेरे पुतले जलाए जा रहे हैं। लगता है ये लोग मुझे गलत समझ गए हैं। अरे भाई, मैं किसी अपोजिशन की लीडर नहीं हूँ। इनको शायद यही गलत फहमी हो गई है, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग मुझसे ही डर गए, जबकि मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ ही नहीं। कुछ इस तरह से कंगना ने सटायरिक वे में इस पोस्ट को शेयर किया है और इस पर रिएक्ट किया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने पिछले समय में अपने लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। हालांकि कुछ मुद्दों पर उन्होंने बहुत ही बेबाकी से बात रखी है, जिन मुद्दों के खुलासे आज हो रहे हैं। ड्रग्स कार्टल आज सामने आ रहा है बॉलीवुड का, और अब समझ में भी आता है कि क्यों कंगना रनौत की बात को दबाने की कोशिश की, इनफैक्ट उनको तोड़ने की इतनी कोशिश की कि उनका करोड़ों का ऑफिस भी तोड़ दिया गया। लेकिन कंगना का शुरू से ही नेचर रहा है रिबेलियस, वो रही है, तो वो भी अपनी तरफ से हमेशा जवाब देती रहती हैं, वो भी चुप नहीं होती है। यानी कि कह सकते हैं ये जो टक्कर है ये कांटे की टक्कर है।